एवरीवन, वेलकम इन टीवी10 चैनल। आज हम हमारी हेल्थ केयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द वगैरह के बारे में। जिस किसी को हमारे घर में, परिवार में ये कोई परेशानी होती है तो हम डॉक्टरी ट्रीटमेंट तो लेते ही हैं, पर हम अपनी तरीके से उसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं और घरेलू नुस्खे इसके लिए कौन कौन से हो रहे हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हमारे साथ, हम जानते हैं कि हम किस प्रकार से ऐसे दर्द पर रिलीफ पा सकते हैं। कमर दर्द, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, ये सारे दर्द किस प्रकार से होते हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे उठने बैठने के गलत तरीके होते हैं, सोने का गलत तरीका होता है, कुछ इस प्रकार से ये दर्द होते हैं। जैसे कि हमें कुछ उठाना हो और शरीर का जो एंगल बनता है वो एंगल बनाए बिना हम उठा लेते हैं तो कोई स्नायु में खींचन आ जाती है और दर्द होता है। शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द होना मतलब कि वहां पे सूजन आ जाती है, उसके कारण वहां पे दर्द होता है। दूसरा, वायु प्रकृति के कारण भी कमर दर्द, घुटनों में दर्द बड़े बुजुर्गों को रहता है। कई बार सर्दियों के कारण, ठंडी के कारण भी ये सब होता है। तो आइए जानते हैं हम इसके कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में। ये है प्याज और ये है राई का तेल। ये आपको किराने के स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा अपनी जरूरत के हिसाब से। और ये प्याज है। अब देखिए हमारे पास प्याज का रस आ गया है। उस प्याज का रस निकालिए और ये है राई का तेल। प्याज के रस में राई का तेल मिलाकर दर्द हो उस जगह पर मालिश करने से दर्द में रिलीफ मिलती है। एक दो चम्मच तेल और एक दो चम्मच ये प्याज का रस मिक्स करके उस जगह पर मालिश करने से ये ठीक हो जाता है। दूसरा एक बताता हूँ, सामान्य जो तेल होता है उसमें ये पिसी हुई सौंठ है वो डालेंगे, लहसुन डालेंगे, अजवाइन डालेंगे और थोड़ी सी राई डालेंगे। और अब इसको हम गर्म करेंगे। लहसुन जो है वो पिसा हुआ हो तो भी चलता है। थोड़ी देर रखने के बाद हमने इसको बंद कर दिया है। ये तेल जो है उसे ठंडा हो जाने पर हम दर्द वाली जगह पर इसे मालिश करते हैं तो इसे दर्द में राहत होती है और अंदर का जो सूजन है वो भी जल्दी ठीक होती है। कई बार वात के कारण भी ये तकलीफ होती है तो ये भी ठीक करता है। और लौंग का तेल अगर आपको मिल जाए तो लौंग के तेल से मालिश करने से भी ये ठीक होता है। ये है सौंठ और उसके अंदर है हींग। इन दोनों चीज़ों को तेल में उबाल कर उस तेल से मालिश करने से भी दर्द ठीक होता है। यह है जिंजर, उसको पीस के उसका रस निकालें। और यह है समुद्री नमक, थोड़ा सा समुद्री नमक उस रस में डालकर उससे मालिश करने से जोड़ों का दर्द, वात का दर्द ठीक होता है। संधिवात, कमर दर्द, घुटनों में दर्द, ऐसी अवस्था में समुद्र स्नान बहुत ही अच्छा होता है। और अगर समुद्र स्नान करने का लाभ हमें नहीं मिलता है तो जो नहाने का पानी होता है उसके अंदर ही समुद्री नमक डाल देते हैं और उससे स्नान करते हैं तो भी उससे फायदा होता है। किसी भी प्रकार का दर्द हो, छाती में चुभन जैसी हो रही हो, जैसे लगता है कोई सुई चुभ रही हो, ऐसा चुभन हो रहा है, सिर दर्द हो, ऐसा कोई भी प्रकार का दर्द हो तो उसके अंदर तुलसी के पत्ते बहुत ही अच्छे लाभकारी होते हैं। तुलसी के पत्ते उबालकर उसका रस पिए और दर्द वाली जगह पर तुलसी का रस भी लगाने से ठीक होता है। तीन नुस्खे हमने तेल मालिश के देख लिए और तीन नुस्खे हमने दूसरी मालिश के लिए कौन कौन सी चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं वो देख लिए।
अब कुछ चीजें खाने के लिए भी देख लेते हैं। देखिए इसमें है थोड़ी सी अजवाइन और ये है गुड़, देसी गुड़ जो बोलते हैं। गुड़ और अजवाइन को साथ में मिलाकर खाने से कमर दर्द, घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द में राहत होती है। और ये है सौंठ, ये है जिंजर। ये जिंजर जब सूख जाता है तो इस तरह से सौंठ बन जाता है। तो ये जो सौंठ होता है उसका चूरा बना करके उसको गर्म पानी के साथ पीने से कमर दर्द, जोड़ों के दर्द में जल्दी राहत होती है। ये है खजूर और ये है मेथी। खजूर को 4-5 पेशी को गर्म पानी में उबाल कर उसमें ये मेथी डालकर उसको खाने से कमर दर्द, घुटनों के दर्द में राहत होती है। तो दोस्तों आज आपने शरीर के 3 प्रकार के व्यवहार में से कफ, पित्त और वात, इन 3 व्यवहार में से वात के कारण हो रहे कुछ दर्द के बारे में औषधियाँ जानी। आप इसका इस्तेमाल करें और जल्दी से जल्दी शरीर को ठीक और तंदुरुस्त बनाएं। और हाँ, आप हमारे अपडेट्स देखते रहें और इसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।